आज हम बनाएंगे कुरकुरे प्याज के पकोड़े, वो भी पनीर के साथ। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड सर्व चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए हम 3 मीडियम साइज के प्याज को छीलकर लंबे लंबे पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे और उसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब उसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून पीसी सौंठ, थोड़ा सा हरा धनिया, बाइंडिंग करने के लिए 1 कप बेसन और कुरकुरा बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारा बेसन का घोल तैयार है। अब हम लेंगे 200 ग्राम पनीर को लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब इसे एक बोल में डालेंगे और इसे चटपटा बनाने के लिए आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक डालकर मिक्स करके इसे अच्छे से टोस्ट कर लेंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से चिपक जाएं। अब गैस पर रखेंगे पैन और उसमें रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पर हमें 1-1 पनीर के पीसेस को बेसन और प्याज की अच्छे से कोटिंग करके मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तलना है। जितने आसानी से आ जाए उतने रखेंगे और दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक तलकर निकाल लेंगे। लीजिए, हमारे प्याज और पनीर के अल्टीमेट पकोड़े बनकर तैयार हैं जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।